माता दी दोस्तों, आपका दोस्त मोहित राघव फिर आपके साथ जुड़ गया है आज के ट्रिपल पंगा का तीसरा मैच लेकर। और मैच किसके बीच है? मैच है पुनेरी पल्टन वर्सेस गुजरात जायंट्स के बीच। गुजरात तो ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं आपका प्लेऑफ की रेस से, पुनेरी के लिए चांस है, लेकिन चांस के लिए विनिंग जो स्ट्रीक है उसको बरकरार रखना होगा। कैसे रख पाएंगे, गुजरात को कैसे हराएंगे? अनु वर्सेस मनप्रीत की जो आपका ये अपोजिशन है, ये देखने लायक होगा। दोनों टीम, दोनों अपने अपने टाइम के धुरंधर कोच हैं। किसकी टीम आगे निकलेगी और कैसे निकलेगी, फैंटेसी टीम बनाएंगे, टीम एनालिसिस करेंगे, उसके अलावा प्रॉफिट का प्लान बताऊंगा। तो वीडियो में जुड़े रहें, लास्ट तक आखिर तक जुड़े रहें, वीडियो देखें और मेरे साथ जुड़े रहें। चैनल पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। और चैनल से याद आया, सबसे पहले ज्वाइन करें टेलीग्राम @MohitCricketologist, सर्च करें, क्रिकेटोलॉजी के नाम से चैनल आएगा, उस चैनल को जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। बेहद जरूरी है क्योंकि सारे अपडेट्स वहां मिलते रहते हैं। जिन मैचेस की वीडियोस भी नहीं आ पाती हैं, उन मैचेस की टीम भी आपको वहां मिलती हैं। तो अभी जुड़े विजन 11 मेरे टेलीग्राम में, ठीक। और तरीका बेस्ट यह है कि इस वीडियो का जो सबसे ऊपर वाला कमेंट है उसमें लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। बात करते हैं अब मैच की। देखो गुजरात का डिफेंस क्या है, परवेज भैंसवाल एक प्लेयर बस, न सुनील फॉर्म में है और ना ग्रीस मारुति एरनाथ फॉर्म में है, रविंद्र पहल की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इसीलिए चूंकि गुजरात के डिफेंस ने उतना अच्छा नहीं किया है, दिक्कत रही है गुजरात के साथ और टेबल में नीचे बैठे। दूसरी तरफ जो अपोजिशन है पुनेरी पल्टन, उनका डिफेंस अब सर चढ़के बोलने लगा है। विशाल सोमवीर की जोड़ी लाजवाब काम करके दे रही है, तो कहीं ना कहीं डिफेंस में आगे है पुनेरी पल्टन। ऑलराउंडर सेक्शन में बात करें, ऑलराउंडर सेक्शन में असलम इनामदार लाजवाब रहे हैं, फर्स्ट सीजन में बहुत बढ़िया खेले हैं पुनेरी के लिए। वहां कौन है, राकेश संगोरिया और प्रदीप कुमार को अदल बदल के खिलाया मनप्रीत ने, किसी में प्रदीप किसी में राकेश, और दोनों ही कुछ मैचेस ठीक खेले, कुछ काफी इनकंसिस्टेंट खेले, इसलिए स्टार्टिंग सेवन में प्लेस सीमेंट नहीं कर पाए। रेडिंग में जाए तो मोहित गोयल जब से जुड़े हैं इस टीम से, तब से एकदम एक अलग एनर्जी आई है पुनेरी पल्टन में, और 6 सुपर 10 लगा चुके हैं तो लाजवाब फॉर्म में है। नितिन तोमर भी सही सही काम कर रहे हैं, कप्तान है और कप्तान की तरह खेल रहे हैं, खेल क्या रहे हैं, टीम को खिला रहे हैं। और दूसरी तरफ वहां कौन है रेडिंग में, राकेश नरवाल का ये सीजन बिल्कुल फॉरगेटेबल रहा है। अजय कुमार जिन मैचेस में खेले हैं ठीक ठीक काम किया है, लेकिन फिटनेस इतना बड़ा कंसर्न है कि वो लगातार स्टार्टिंग सेवन में खेल नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं तीनों ही डिपार्टमेंट में पुनेरी पल्टन गुजरात से काफी आगे है। तो यहीं से पता लगता है कि मैच विनर कौन है, तो मैच विनर ऑब्वियसली पुनेरी पल्टन है। आपको जो मैच विनर पे इन्वेस्टमेंट करना है वो पुनेरी पल्टन पे करना है, और कहां करना है कैसे करना है इसकी पूरी जानकारी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जाके जुड़े। प्रॉफिट प्लान 2022 दिया हुआ है, फ्री का प्लान है, पढ़ें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, बस विनिंग आने लगेगी। दिखा देते हैं फटाफट फैंटेसी टीम, ये रही आपकी स्क्रीन पर, देखिए 4 डिफेंडर हैं आपके, परवेश भैंसवाल के साथ विशाल सोमवीर और अविनेश। थोड़ा सा हार्श टीम बना रहा हूं मैं और तगड़ी टीम बना रहा हूं। उसके बाद असलम है ऑलराउंडर सेक्शन में और संगोरिया। ऑलराउंडर कौन खेलेगा ये देखने वाली बात है। प्रदीप खेलेंगे तो हम प्रदीप को ले लेंगे, और प्रदीप नहीं खेलेंगे संगोरिया खेलते हैं तो हम संगोरिया को ले लेंगे। दोनों संगोरिया प्रदीप में से जो ऑलराउंडर खेलेगा उसको लेकर जाएंगे, नाम मैंने संगोरिया का डाला हुआ है। और उसके साथ मोहित गोयल, सिर्फ एक रेडर, वो भी पुनेरी पल्टन का। कोई रेडर इतना बढ़िया है नहीं आपका गुजरात से कि उसको लिया जाए। अगर अजय कुमार खेलते हैं तो फिर अवनीश नागराजन की जगह आप अजय कुमार को ले लेना, बाकी कोई बदलाव नहीं। संभावित बदलाव इस टीम में यही दो करने हैं आपको, कि अगर प्रदीप खेलते हैं तो संगोरिया की जगह प्रदीप, और अजय खेलते हैं तो अविनेश की जगह अजय। बाकी कोई बदलाव की आवश्यकता आपको है नहीं। परवेश, विशाल, सोमवीर, असलम, मोहित, 5 खिलाड़ियों से आपको नहीं छेड़ना। आ जाती है कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की बात। ऑप्शन क्या क्या है, असलम इनामदार, मोहित कुवैत, सोमवीर, 3 ऑप्शन है आपके पास, बहुत ही लाजवाब ऑप्शन है तीनों। किसको कैप्टन, किसको वाइस कैप्टन आप बनाएंगे? असलम इनामदार पहले हाफ में बहुत बढ़िया खेलते हैं, लेकिन एनर्जी डाउन होती है सेकंड हाफ में। मोहित गोयल पूरा मैच बढ़िया खेलते हैं, लेकिन फर्स्ट हाफ में जब तक असलम इनामदार की एनर्जी हाई रहती है रेडिंग कम करते हैं। तो गेम कवर का दोनों के साथ इशू है, लेकिन और दोनों से टैकल भी आने लग गए। असलम इनामदार तो है ऑलराउंडर, मोहित गोयल ने भी पिछले 2 मैचेस में 4 टैकल पॉइंट लिए हैं, तो ये भी एक बात है। और सोमवीर तो लगातार हाई फाइव की झड़ी लगा रखी है, पिछले 4 मैचेस में 3 हाई फाइव। बताओ सोमवीर, असलम और मोहित के बीच कैप्टन और वाइस कैप्टन का मामला फंसा पड़ा है, किसको बनाए? तो दोस्तों तरीका यह है कि असलम इनामदार को कैप्टन बनाइए आंख बंद करके, क्योंकि रेड और टैकल दोनों मिलेंगे। वाइस कैप्टनसी की मैं बात करूं तो वाइस कैप्टन सोमवीर और मोहित 2 ऑप्शन है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप जाइए सोमवीर के साथ। क्यों जाइए? क्योंकि जो रीडिंग डिपार्टमेंट है गुजरात का वो खाली पड़ा है,
तो ऐसे में टैकल पॉइंट ज्यादा आने की संभावना है, और ज्यादा आएंगे तो सोमवीर के हिस्से में भी ज्यादा आएंगे। इवन सोमवीर को आप कैप्टन भी बना सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप उनको वाइस कैप्टन बनाए और असलम को बनाए कैप्टन। बात खत्म होती है वीडियो में, जाते जाते प्रॉफिट बता देता हूं कि दोस्तों कैसे प्रॉफिट ज्यादा कमाए। तरीका यह है, ड्रीम इलेवन जैसी एप्स पे खेलना छोड़िए, जुड़िए विजन इलेवन से। विजन इलेवन का लिंक इसी वीडियो के सबसे नीचे वाले का जो कमेंट, सबसे ऊपर वाला जो कमेंट है टेलीग्राम का, उसी के साथ दिया हुआ है, क्लिक करके डाउनलोड कर ले। शॉर्टकट में फायदा बता दूं, कॉन्टेस्ट एंट्री कम है, पैसा बचता है। दूसरी बात, क्रेडिट वैल्यू कम है, जो टीम चाहिए वो बन जाती है। हो सकता है ड्रीम इलेवन पे टीम बनाने जाओ बने ना ये वाली। तीसरा फायदा ये है कि यूजर कॉम्पिटिशन कम है, मतलब कहीं ना कहीं आपका इंक्रीमेंट होता है प्रॉफिट में, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जुड़े अभी के अभी विजन इलेवन से, टेलीग्राम पर भी लिंक अवेलेबल है, फायदा उठाएं इस सब चीजों का। और चैनल पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, उसके साथ साथ क्या करिए कि बेल आइकॉन भी जरूर दबा दें। हमारी आपकी बात खत्म होती है, फिलहाल इजाजत, टाटा बाय बाय और जय माता दी।